like, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकेडमी, बायोलॉजी अकेडमी. सॉरी फॉर द डिले. कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? कौन कौन आज प्रेजेंट हो चुका है जल्दी से मुझे मैसेज कर दीजिए. कौन कौन बच्चा आज हमारे साथ जुड़ चुका है जल्दी से मैसेज कर दीजिए. कोमलप्रीत, सिद्धि, जहा क्रिएशन, खान साहब आ चुके हैं, मधु, प्रीति, संजना, खुशबू, ओके, कोमल, प्रियंका, वेरी गुड, एक्सीलेंट. जल्दी से सेशन को शेयर कीजिए, जल्दी से सेशन को शेयर कीजिए, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिए. बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन, जैसा कि आपने बोला था कि आपको एक सेशन चाहिए, जैसा कि आपने बोला था कि हमें एक सेशन चाहिए कंटेंट बेस्ड प्लस क्वेश्चन बेस्ड, तो वैसा ही एक सेम सेशन आज आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रही हूँ. मैं बहुत अच्छी हूँ. आप सब कैसे हैं? जल्दी से सेशन को शेयर करेंगे. Quickly share the session. एलगी पढ़ने जा रहे हैं आज हम. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आज हम एलगी का पार्ट फर्स्ट देखने जा रहे हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जल्दी से सेशन ज्वाइन करेंगे. कहां गए सारे बच्चे? जो जो प्रेजेंट हो चुका है अपनी अटेंडेंस लगवा दो मेरे पास, ताकि मुझे सेशन में नाम याद रहे कि कौन कौन बच्चा प्रेजेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीचर के लिए क्लास में बच्चों का नाम जानना. ओके, ठीक है. तो इसी के साथ हम लोग करते हैं सेशन स्टार्ट. ठीक है, ओके. सिद्धि, विशाल, देखो नए नए नाम आ रहे हैं. अच्छा, एक बार मुझे जल्दी से बता दो, क्वालिटी वगैरह सब सही है ना? ऑडियो, वीडियो क्वालिटी, मेरा वॉइस, सब कुछ सही है ना? जल्दी से एक बार मुझे मैसेज करके बता दो क्या सब कुछ सही है, मैं सेशन स्टार्ट करूं. ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं एलगी. देखो, एल्गी के बारे में जानने से पहले आपको प्लांट किंगडम का एक बेसिक क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए. उसकी नॉलेज होनी चाहिए. पहले तो जल्दी से सब बच्चे आ जाओ. ठीक है, सब बच्चे आ गए हैं. ये देखो, अब हम एक सीरीज में कंटिन्यू करेंगे. पहले मैं अपना लेक्चर डिलीवर करूंगी, उसके बाद फिर मैं आपके लाइव चैट देखूंगी. बीच बीच में मैं देखती रहूंगी कि आपके क्या डाउट्स है, क्या डाउट्स नहीं है, लेकिन हर टाइम मैं लाइव चैट पे ध्यान नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि वो टॉपिक जो है फिर इंटरप्ट हो जाता है. ठीक है, हम 10-15 मिनट के स्लॉट में लाइव चैट पे ध्यान देंगे. ठीक है, जो आपके डाउट्स है उनको लेंगे. तो ये देखने जा रहे हैं. ये देखो, जो एलगी है बच्चों, ये आपका प्लांट किंगडम का पार्ट है. ठीक है, आपको पता है आरएच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें से 4th किंगडम था प्लांट किंगडम. तो अगर मैं आपकी बात करूं प्लांट किंगडम की, ये देखो, अगर हम बात करें बच्चों प्लांट किंगडम की, तो प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया जाता है. कई बार इस क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन आ जाता है. जो आपका प्लांट किंगडम है बच्चों, इसको दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से वो दो सब किंगडम है जो प्लांट किंगडम के अंडर आते हैं? एक का नाम है क्रिप्टोगैमी, एक का नाम है बच्चों क्रिप्टोगैमी, और एक का नाम है फेनीरोगैमी, एक का नाम है फेनीरोगैमी. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है. एक का नाम है क्रिप्टोगैमी, एक का नाम है फेनीरोगैमी. देखो बच्चों, क्रिप्टो का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड क्या है बच्चों, एब्सेंट. ऐसे प्लांट, यहाँ पे माइनस का मतलब है एब्सेंट. ऐसे प्लांट जिसमें सीड्स एब्सेंट होते हैं उनको क्रिप्टोगैमी कहते हैं, और ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं उनको फेनीरोग्राम कहते हैं. क्या कहते हैं? फेनीरोगैमी कहते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैंने क्या बोला, प्लांट किंगडम को मैंने दो सब किंगडम में डिवाइड किया है, क्रिप्टोगैमी और फेनीरोगैमी. क्रिप्टोगैम का मतलब जिसके अंदर फ्लावर या सीड एब्सेंट है, और फेनीरोगैमी का मतलब है जिसके अंदर सीड्स प्रेजेंट है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप अपना नेट कनेक्शन चेक करो. तनिष्का, मेरी तरफ से वीडियो बिल्कुल ठीक है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? वीडियो ठीक है ना? ठीक है, अब देखने जा रहे हैं आगे. ये जो सब किंगडम है प्लांट किंगडम को, हमने क्या किया है, प्लांट किंगडम को हमने दो सब किंगडम में डिवाइड किया है. फर्दर, ये जो सब किंगडम है इनको हम डिविजन्स में डिवाइड करते हैं. किसमें डिवाइड करते हैं बच्चों? डिविजन्स में डिवाइड करते हैं. तो क्रिप्टोगैमी वाला जो आपका सब किंगडम है, इसकी 3 डिविजन्स हैं. कितनी डिविजन्स हैं? 3. मैं दोबारा बता रही हूं आपको. सबसे पहले हमने किंगडम लिया, किंगडम को हमने बच्चों क्या किया, किंगडम को हमने सब किंगडम में डिवाइड किया. अब इन सब किंगडम्स को हम डिविजन्स में डिवाइड कर रहे हैं.
तो क्रिप्टोगैमे सब किंगडम की थ्री क्या होती है, डिविजन होती है। नंबर फर्स्ट होता है थैलोफाइटा, क्या होता है थैलोफाइटा। नंबर सेकंड डिवीजन क्रिप्टोगैमे का है ब्रायोफाइटा, क्या है बच्चों ब्रायोफाइटा, ठीक है। और नंबर थर्ड और नंबर लास्ट जो क्रिप्टोगैमे का डिवीजन है वो है आपका टेरिडोफाइटा, क्या है टेरिडोफाइटा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। ये जो आपके क्रिप्टोगैमे सब किंगडम है इनके तीन जो है डिवीजन है कौन कौन से, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ऐसे ही बच्चों जो आपका फेनीरोगैमे है, फेनीरोगैमे का एक ही डिवीजन है जिसका नाम है स्पर्मेटोफाइटा, क्या नाम है स्पर्मेटोफाइटा। मैं बोल रही हूँ आपको क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन आ जाता है कई बार, बहुत सिंपल क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से ही बन जाता है, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने किंगडम लिया, किंगडम को मैंने सब किंगडम में डिवाइड किया, सब किंगडम को मैंने डिविजन्स में डिवाइड किया। अब बच्चों ये जो डिविजन्स हैं, ये जो डिविजन्स हैं इसको हम फर्दर सब डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं इनको, हम सब डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। ये जो आपके डिविजन्स हैं इनको फर्दर हम किस में डिवाइड करते हैं, इनको सब डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। तो आपको याद रखना है थैलोफाइटा को, थैलोफाइटा को हमने दो सब डिवीजन में डिवाइड किया है। कितने सब डिवीजन में, दो सब डिवीजन में। एक का नाम होता है बच्चों एल्गी, दूसरे का नाम है फंजाई। एक का नाम है एल्गी, दूसरे का नाम है फंजाई। और यही स्पर्मेटोफाइटा को अगेन हमने दो सब डिवीजन में डिवाइड किया है। एक आपको पता है नंबर फर्स्ट जिम्नोस्पर्म्स, बहुत ही फेमस है जिम्नोस्पर्म्स। और दूसरे कौन से है बच्चों, दूसरे हैं आपके एंजियोस्पर्म्स। कौन से स्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। बस इतनी क्लासिफिकेशन आपको याद रखनी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बता रही हूँ, प्लांट किंगडम, उससे क्रिप्टोगैमे और फेनीरोगैमे सब किंगडम निकले। सब किंगडम से आपने डिवीजन निकाले, क्रिप्टोगैमे के तीन डिवीजन है, फेनीरोगैमे का एक डिवीजन है। फिर सब ये जो आपके डिवीजन है थैलोफाइटा, इससे आपने सब डिवीजन बनाया एल्गी फंजाई, और स्पर्मेटोफाइटा का सब डिवीजन क्या है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन। क्या ये क्लासिफिकेशन सबको क्लियर है, मुझे जल्दी सब बच्चों का रिप्लाई चाहिए, क्या ये क्लासिफिकेशन सबको क्लियर है। तो यहाँ पे बच्चों आज के सेशन में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एल्गी। क्या पढ़ने जा रहे हैं, एल्गी। बच्चों को लगता है प्लांट किंगडम का मतलब है हमें एल्गी पढ़ना है, फंजाए पढ़ना है, ब्रायोफाइटा पढ़ना है, टेरिडोफाइटा पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म पढ़ना है और एंजियोस्पर्म पढ़ना है। बिल्कुल सही लगता है आपको, बिल्कुल सही लगता है आपको। लेकिन लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्रिमिटिव प्लांट किंगडम में कौन सा मेंबर है, तो आप बोलोगे एल्गी। एल्गी के बाद कौन आता है बच्चों, एल्गी के बाद आता है फंजाए, ठीक है। फंजाए जो है बच्चों, पहले फंजाए को ना प्लांट किंगडम में रखा गया था, पहले ये जो फंजाए है इसको प्लांट किंगडम में रखा गया था, लेकिन उसके बाद फंजाए के लिए हमने अलग किंगडम बनाया, उसके बाद फंजाए के लिए हमने अलग किंगडम बनाया, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको प्लांट किंगडम की बात करूं तो हमें एल्गी पढ़ना है, फंजाए का हम अलग से किंगडम पढ़ेंगे, फंजाए का हम अलग से किंगडम पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है ब्रायोफाइट, उसके बाद हमें पढ़ना है बच्चों टेरिडोफाइट, उसके बाद हमें पढ़ना है जिम्नोस्पर्म्स, और उसके बाद हमें पढ़ना है एंजियोस्पर्म्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्गी से। मैंने तुम्हें प्रॉपर बता दिया है, बच्चों को लग रहा था कि भाई थैलोफाइट में तो एल्गी भी आता है, फंजाए भी आता है, लेकिन फंजाए तो अलग किंगडम है। तो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि पहले फंजाए को हमने एल्गी के साथ थैलोफाइटा में रखा था, लेकिन लेटर ऑन हमने क्या किया बच्चों, फंजाए का अलग से किंगडम बना लिया है, ठीक है। चलो अब ये देखने जा रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं एल्गी के बारे में, अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों एल्गी के बारे में। देखो एल्गी के बारे में ना कुछ फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये जो आपका एल्गी है ना, इसके बारे में कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। सबसे पहली बात, जो एल्गी होते हैं ना बच्चों, इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है। क्या मिलता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। ये जो एल्गी होते हैं बच्चों, ये क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं। इनके पास क्या मिलता है बच्चों, इनके पास मिलता है क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट। आपको पता है जिसके पास क्लोरोफिल मिलता है क्या वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यस बिल्कुल कर सकता है। अगर आपके पास क्लोरोफिल है तो आप फोटोसिंथेसिस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और अगर आप फोटोसिंथेसिस कर सकते हो तो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, हेटरोट्रॉपिक होगा या फिर ऑटोट्रॉपिक होगा। ऑब्वियस सी बात है आपका कैसा होगा, ऑटोट्रॉपिक। कैसा होगा बच्चों, ऑटोट्रॉपिक। तो एल्गी के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि एल्गी जो होते हैं वो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले प्लांट किंगडम के मेंबर होते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन। आप देखो बच्चों, ये जो आपकी एल्गी होती है ना, ये जो आपकी एल्गी होती है ना, इसके पास ना तो ट्रू रूट्स मिलती हैं, इसके पास ना तो ट्रू स्टेम मिलती है,
और ना ही बच्चों इसके पास ट्रू लीव्स मिलती हैं, जो आपका प्लांट वर्ड है। आप जब भी प्लांट वर्ड सुनते हो तो प्लांट वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है कि भाई रूट होगी, इसके पास स्टेम होगी, इसके पास लीव्स होंगी, यस और नो। लेकिन एल्गी के पास ना तो ट्रू रूट्स मिलती है, ना स्टेम मिलती है, ना लीव्स मिलती है। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते एल्गी को देख के कि अच्छा ये तो रूट है, ये स्टेम है या फिर ये लीफ है। इंस्टेड एल्गी की प्लांट बॉडी होती कैसी है, एल्गी की जो मेन बॉडी है फिर वो होती कैसे है, तो मैं आपको बताती हूँ। एल्गी की मेन बॉडी इस तरीके से एक थैलस जैसे स्ट्रक्चर में बनी हुई होती है। कैसे बनी हुई होती है, थैलस जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो एल्गी की मेन बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं बोल सकती हूँ एल्गी क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉपिक थैलॉइड प्लांट्स हैं। दोबारा बोल रही हूँ, दीज आर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉपिक थैलॉइड प्लांट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कई बार तो यही स्टेटमेंट आती है कि एल्गी के बारे में टिक करो कि एल्गी इनमें से किस लाइन को सुटेबल रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑटोट्रॉपिक है, क्लोरोफिल है, थैलॉइड है, हेटरोट्रॉपिक है, ये है, वो है, ऐसे आपके मिक्स एंड मैच के ऑप्शन आते हैं और आपको यहीं पे टिक करना होता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है कि एल्गी जो है वो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉपिक और थैलॉइड प्लांट्स होते हैं। Is it clear to everyone? Thallus का मतलब समझ में आया? Thallus का मतलब होता है जहां पे true root, leaf और stem क्या होती हैं? Absent होती हैं। Is it clear to everyone? जहां पे true root, stem और leaf absent होंगी उसी को बोलते हैं Thallus। क्या बोलते हैं? Thallus। बिल्कुल आपके लिए helpful रहेगा, बिल्कुल आपके लिए helpful रहेगा। ये CUET, Life Sciences, Botany, Botany जो भी बच्चे हैं सबके लिए helpful है ये, ठीक है? अब देखते हैं आगे। Is it clear to everyone? ये समझ में आया सबको? अब हम देखने जा रहे हैं आगे। अगर मैं बात करूं कि ये जो हमने पहले देखा था थैलोफाइटा, क्या देखा था बच्चों हमने? थैलोफाइटा डिवीजन देखा था। थैलोफाइटा में भाई आपने एल्गी को भी रखा है, थैलोफाइटा में आपने फंजाई को भी रखा है, तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस भी तो होगा। एल्गी फंजाई को अगर आपने एक डिवीजन में रखा है इसका मतलब सिमिलैरिटीज तो है, लेकिन सिमिलैरिटीज के साथ साथ इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस भी होगा। तो डिफरेंस क्या होता है बच्चों? पहली बात, एल्गी जो होता है ना बच्चों, एल्गी के पास आपको क्लोरोफिल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? क्लोरोफिल देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं फंजाई की बात करूं, वहीं बच्चों अगर मैं किसकी बात करूं, फंजाई की बात करूं, तो फंजाई के पास क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है, क्योंकि एल्गी के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, और फंजाई कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? फंजाई आपका हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये दोनों डिफरेंस आपको क्लियर है? ठीक है, अब आप कहोगे क्या सारे के सारे एल्गी ऑटोट्रॉपिक होते हैं? क्या सारे के सारे एल्गी ऑटोट्रॉपिक होते हैं? मैं कहूंगी नहीं, कुछ कुछ एल्गी हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। देयर आर सम एल्गीज विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। कुछ ऐसे भी एल्गी होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इसका मतलब एल्गी जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और वो हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, ठीक है? लेकिन बच्चों मेजोरिटी ऑफ द एल्गी कैसी होती है? मेजोरिटी ऑफ द एल्गी होती है आपकी ऑटोट्रॉपिक। Is it clear to everyone? ठीक है, अब देखते हैं आगे। मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी, बेसिक से स्टार्ट करते करते मैं आपको पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगी। आपको सिर्फ सेशन में बने रहना है। ये मैं मानती हूँ कि मैं बहुत छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को ये बातें भी नहीं बताऊंगी। तो हम एक्सट्रीम कंडीशन तक पहुंचेंगे, मैं आपको एक्सट्रीम कंडीशन तक लेके जाऊंगी, लेकिन हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब हम देखने जा रहे हैं अगर मैं बात करूं एल्गी की, तो ये जो एल्गी होती है ना, ये आपको बहुत बहुत ज्यादा अलग अलग हैबिटेट में देखने को मिलती है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ एल्गी जो होती है बच्चों, वो एक्वेटिक फॉर्म में देखने को मिलती है। जो एक्वेटिक बॉडीज होती हैं, जैसे समुद्र हो गया, लेक हो गई, पॉन्ड हो गई, तो मेजोरिटी ऑफ द जो एल्गी होती है ना, वो कैसी होती है? एक्वेटिक होती है। एक्वेटिक के अलावा आपको टेरेस्ट्रियल एल्गी भी देखने को मिलती है। आपको एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिट्स भी देखने को मिलती है, जो किसी अनयूजुअल हैबिट में मिलती है। लेकिन मेजोरिटी, अगर आपसे बात की जाए कि मेजोरिटी ऑफ द एल्गी कहाँ मिलती है, तो आप बोलोगे एक्वेटिक लाइफ में देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है बच्चों? एक्वेटिक लाइफ में देखने को मिलती है, ठीक है? बच्चों एल्गी के अंदर टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। एल्गी के अंदर टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए कि जो एल्गी है इसके अंदर टिश्यू सिस्टम क्या होता है बच्चों? एब्सेंट होता है, ठीक है? अब बात आती है एल्गी के सेक्स ऑर्गन्स। ये सारे के सारे लाइन क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है हर एक लाइन से।
जो एल्गी के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं क्या ये यूनिसेलुलर होते हैं या फिर ये मल्टी सेलुलर होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है बच्चों, हमेशा याद रखना है कि एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। एल्गी के सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर नहीं होते, ठीक है। अब बच्चों होता क्या है, प्लांट किंगडम में ना, प्लांट किंगडम में जो सेक्स ऑर्गन है, सपोज ये एक सिंगल सेल से बना सेक्स ऑर्गन है, तो प्लांट किंगडम में ना देखने को मिलता है कि ये जो सेक्स ऑर्गन है ना, इनके बाहर स्टराइल सेल्स की, इनके बाहर ऐसे इस तरीके से स्टराइल सेल्स की एक लेयर देखने को मिलती है। स्टराइल सेल्स जो फर्टाइल नहीं होते, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो सेक्स ऑर्गन के बाहर इन सेल्स की एक लेयर देखने को मिलती है। इन सेल्स को बच्चों जैकेट सेल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जैकेट सेल्स के नाम से जानते हैं। दीज आर स्टराइल इन नेचर। तो जो एल्गी होती है ना बच्चों, उनके सेक्स ऑर्गन्स के बाहर, उनके सेक्स ऑर्गन के बाहर ये जो लेयर होती है वो एब्सेंट होती है, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ एल्गी इन विच जैकेट सेल्स आर प्रेजेंट। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द एल्गी में क्या होता है बच्चों, आपको मेजोरिटी वाली बातें याद रखनी है, आपको एक्सेप्शन याद नहीं करने। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द एल्गी में क्या होता है बच्चों, ये जो जैकेट सेल स्टराइल सेल्स की लेयर है ये क्या होती है, एब्सेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Is it clear to everyone? जल्दी से बताएंगे क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है? Is it clear to everyone? चलें आगे। अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, आपको पता है ये है आपका फीमेल गैमेट। ये कौन सा है आपका फीमेल गैमेट और ये है आपका मेल गैमेट। जब भी मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, जब भी इनमें फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है। और बच्चों जाइगोट से अल्टीमेटली क्या बन जाता है, जाइगोट से अल्टीमेटली एम्ब्रियो बन जाता है। लेकिन एल्गी के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। गैमेटिक यूनियन के बाद एल्गी के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। ये हर एक पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं दोबारा बता रही हूँ बच्चों, ये जो आपकी एल्गी है ना, ये जो आपकी एल्गी है इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। इसमें गैमेटिक यूनियन तो होता है। अब आप बोलोगे मैम गैमेटिक यूनियन कहां से वर्ड आ गया? बच्चों यूनियन मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब एक साथ, और गैमेटिक मतलब गैमेट्स। तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में एक साथ आते हैं, इनमें फ्यूजन होता है, इसी को गैमेटिक यूनियन कहते हैं, ठीक है। तो गैमेटिक यूनियन के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो बनना चाहिए था, लेकिन किसमें एम्ब्रियो नहीं बनता, एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता। Is it clear to everyone? दोबारा रिपीट कर देती हूँ। बच्चे कह रहे हैं मैम दोबारा रिपीट कर दो। देखो बच्चों, मैं ये कह रही हूँ कि ये है आपका मेल गैमिट, ये फीमेल गैमिट। जब इनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, जिसको आप लोग सिनगैमी के नाम से भी जानते हैं, इसी प्रोसेस को एल्गी में गैमेटिक यूनियन के नाम से भी जाना जाता है कि गैमिट्स का यूनियन हो रहा है। तो आपको पता है जाइगोट बनना चाहिए था और इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनना चाहिए था, लेकिन एल्गी के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता। एम्ब्रियोजेनेसिस इज एब्सेंट इन एल्गी, क्या ये ऑप्शन सही है? यस। तो ऐसे इनकरेक्ट और करेक्ट वाले ऑप्शन भी आपसे पूछे जाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। चले आगे। ये देखो, अब देखते हैं आगे, अब हम देखने जा रहे हैं आगे बच्चों। एल्गी के अंदर एक बहुत ही अच्छा फिनोमिना देखने को मिलता है। एल्गी के अंदर एक बहुत ही अच्छा फिनोमिना देखने को मिलता है, जिसका नाम है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बहुत बच्चों ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन बच्चों को इसका मतलब समझ नहीं आता। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? एल्गी के अंदर हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। तो ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये क्या होता है? ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है बच्चों, ये क्या होता है, मैं आपको कोई टिपिकल लैंग्वेज में नहीं बता के, एक सिंपल सी लैंग्वेज में बता रही हूँ कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। ये देखो, ध्यान से देखेंगे, मैं बोल रही हूँ, एक प्लांट जो है वो सेक्सुअल फेज भी दिखा रहा है और यही सेम प्लांट एसेक्सुअल फेज भी दिखा रहा है। एक पर्टिकुलर प्लांट सेक्सुअल फेज भी दिखा रहा है और ये पर्टिकुलर प्लांट एसेक्सुअल फेज भी दिखा रहा है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल फेज से एसेक्सुअल फेज में जाना, एसेक्सुअल फेज से सेक्सुअल फेज में जाना। मतलब आप सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज के बीच में अल्टरनेट कर सकते हो। किसी टाइम पे आप सेक्सुअल फेज में हो, फिर किसी टाइम में आप एसेक्सुअल फेज में हो, फिर किसी टाइम में आप वापस सेक्सुअल फेज में आ रहे हो। इसी चीज को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं।
किसका नाम देते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब कुछ बच्चे यहाँ पे हैप्लॉइड डिप्लॉइड ये सारी बातें भी करेंगे, तो वो सारी बातें हम आपको बाद में सिखाएंगे। अभी मैं एक सिंपल डेफिनेशन बता रही हूँ कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज के बीच में ऑल्टरनेट करना, इसी को ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। बच्चों सेक्सुअल स्टेज में क्या होता है, सेक्सुअल स्टेज में आपके सेक्स सेल्स बनते हैं। कैसे सेक्स सेल्स बनते हैं, सेक्स सेल्स बनते हैं। ये सेक्स सेल्स जो है ऑब्वियसली बात है क्या बना के जाएंगे, गैमीट। क्या बना के जाएंगे, गैमीट। और गैमीट बनाने वाले सेल को गैमीटोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैमीटोफाइट। ठीक है, ऐसे ही जो आपका एसेक्सुअल फेज है इसमें स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पोर। और स्पोर बनाने वाले सेल को, बॉडी को स्पोरोफाइट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्पोरोफाइट। तो मैं ये भी डेफिनेशन दे सकती हूँ कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में ऑल्टरनेट करना। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन। मैं आपको प्लॉइडी लेवल भी पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले बेसिक बातें, पहले बेसिक बातें। इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे, जल्दी से बताओ, बोरिंग तो नहीं हो रहा है, जल्दी से बताएंगे। मैं तब तक पानी पी लेती हूँ, जल्दी से मुझे जवाब देंगे। बोरिंग तो नहीं हो रहा है, एलगी बेकार तो नहीं लग रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे भाई ये क्या एलगी है, हमें नहीं पढ़ना। लेकिन उन बच्चों के लिए बता दूं कि एलगी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे प्लांट किंगडम से। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब देखते हैं आगे, अब हम देखते हैं आगे। ये देखो, अब हम देखते हैं आगे, ध्यान से देखेंगे। अब एक एक करके हम एलगी के सारे स्टेप को थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखो, नंबर फर्स्ट पॉइंट हमें पता होनी चाहिए एलगी की अकरेंस। एलगी मिलती कहाँ कहाँ पे है, इस पे से क्वेश्चन आता है, इस पे से क्वेश्चन आता है कि एलगी कहाँ कहाँ मिलती है आपको पता होना चाहिए। देखो, आप अकरेंस के बेसिस पे एलगी को थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। किसमें डिवाइड कर सकते हो, थ्री टाइप में डिवाइड कर सकते हो। नंबर फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ये है एक्वेटिक, एक्वेटिक एलगी। एक्वेटिक एलगी नाम से पता चल रहा है, जो पानी के अंदर मिलेंगी वो हो जाएंगी आपकी एक्वेटिक एलगी। क्या हो जाएंगी, एक्वेटिक एलगी। दूसरा क्लासिफिकेशन है आपका टेरेस्ट्रियल एलगी। कौन सा एलगी, टेरेस्ट्रियल एलगी, नाम से ही पता चल रहा है टेरेस्ट्रियल एलगी, जो आपको लैंड पे मिलेंगी। और थर्ड आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एलगी ऑफ अनयूजुअल, एलगी ऑफ अनयूजुअल। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, मैं ठीक कर देती हूँ अनयूजुअल की। ये देखो, एलगी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट, इसपे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इस पे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। डेफिनेशन पूछी जाती है कि बताओ ये वाली कौन सी एलगी होती है, ये वाली कौन सी एलगी होती है। तो ध्यान से देखने जा रहे हैं, एक्वेटिक एलगी की अगर मैं बात करूं, फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे। एक्वेटिक एलगी की मैं अगर बात करूं तो एक्वेटिक एलगी बच्चों जो पानी के अंदर मिलती है, और आपको पता है पानी की जब भी बात हो तो एक होता है फ्रेश वाटर और दूसरा होता है मेराइन वाटर। मेराइन वाटर बच्चों, मेराइन वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, मेराइन वाटर को हम लोग सी वाटर भी कहते हैं, जिसमें नमक मिलता है, नमकीन पानी जो समुद्र वगैरह का होता है। और फ्रेश वाटर बॉडीज क्या होती है, आपकी पोंड हो गई, लेक्स हो गई, रिवर हो गई, जिनका पानी खारा नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी एलगी जो फ्रेश वाटर में मिलती है। देखो, फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं होता कि सैलिनिटी जीरो है। कुछ कुछ बच्चों को लगता है सैलिनिटी जीरो होती है, ये भी क्वेश्चन एक बार आया था। फ्रेश वाटर का मतलब होता है सैलिनिटी, नमक का जो लेवल है वो कम है। और मेराइन वाटर का मतलब होता है हाई सैलिनिटी। क्या होता है, हाई सैलिनिटी। बच्चों को लगता है मेराइन वाटर मींस प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट और फ्रेश वाटर मींस एब्सेंस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट एब्सेंट नहीं होता फ्रेश वाटर में, उसका जो सैलिनिटी लेवल होता है वो कम होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे, ये देखो बच्चों, फ्रेश वाटर में भी ना दो पॉसिबिलिटीज हैं बच्चों, फ्रेश वाटर में भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि वहां का जो पानी है वो रुका हुआ है, स्टेग्नेंट वाटर है। कैसा वाटर है, स्टेग्नेंट। और एक होता है स्लो रनिंग वाटर, कि पानी में हल्का हल्का बहाव है। फ्रेश वाटर के अंदर भी हमें दो कंडीशन पढ़नी है, एक है स्टेग्नेंट और दूसरी होती है स्लो रनिंग। कैसी होती है, स्लो रनिंग। तो बच्चों स्टेग्नेंट का मतलब होता है रुका हुआ, स्टेग्नेंट का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। तो आप याद रखेंगे एस से स्टेग्नेंट, आप याद रखेंगे बच्चों एस से स्टेग्नेंट और एस से स्पाइरोगाइरा।
स्पाइरोगाइरा वो एल्गी है जो आपको स्टेगनेंट वाटर में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है? स्टेगनेंट वाटर में देखने को मिलती है। एक और आप यहाँ पे याद रखेंगे वॉल्वॉक्स, एक और आप यहाँ पे याद रखेंगे वॉल्वॉक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्लेमाइडोमनास। क्लेमाइडोमनास पूछा गया हुआ क्वेश्चन है डीयू के अंदर, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है डीयू के अंदर। और स्लो रनिंग का आप एग्जाम्पल याद रखेंगे यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स और कैरा, यूलोथ्रिक्स और कैरा, ये दो एग्जाम्पल आप लोग स्लो रनिंग के याद रखेंगे और तीन एग्जाम्पल आप लोग स्टेगनेंट के याद रखेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चले आगे, देखो बेटो बच्चों देखो आगे, ये देखो मेराइन वाटर की अगर मैं बात करूं तो मेराइन वाटर का मतलब क्या होता है? जिसका सेलाइन लेवल ज्यादा है। तो जो आपके फियोफाइसी के मेंबर होते हैं, जो आपके फियोफाइसी के मेंबर होते हैं, फियोफाइसी का मतलब होता है ब्राउन एल्गी। कौन सा एल्गी? ब्राउन एल्गी। एल्गी की बहुत सारी क्लासेस हैं बच्चों, जिसमें से एक क्लास का नाम है फियोफाइसी, इसको ब्राउन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही एक और क्लास है एल्गी की रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का मतलब होता है बच्चों रेड एल्गी। कैसी एल्गी? रेड एल्गी। तो फियोफाइसी और रोडोफाइसी के जो मेंबर्स हैं ये जनरली आपको मेराइन वाटर में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? मेराइन वाटर में देखने को मिलते हैं। फियोफाइसी का बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग याद कर सकते हो एक्टोकार्पस। क्या याद कर सकते हो? एक्टोकार्पस। और रोडोफाइसी का एग्जाम्पल आप लोग क्या याद करेंगे? पॉलीसाइफोनिया। क्या याद करेंगे? पॉलीसाइफोनिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये तो हुआ आपका एक्वेटिक के बारे में। किसके बारे में? एक्वेटिक के बारे में। एक्वेटिक के बारे में बच्चों कई बार फ्रेश और मेराइन का भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी फ्रेश वाटर है और इनमें से कौन सी मेराइन वाटर है, या इनमें से कौन सी मेराइन वाटर नहीं है, या इनमें से कौन सी फ्रेश वाटर नहीं है। तो ये मेन मेन एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो मैंने आपको बता दिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब एक्वेटिक के रिगार्डिंग हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। एक्वेटिक के रिगार्डिंग हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। यस बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं सारे एग्जाम्पल आपको नहीं लिखवा सकती, ना ही आप लोग सारे एग्जाम्पल याद कर सकते हो। तो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मैं सिर्फ आपको वही लिखवा रही हूँ, ठीक है? चले आगे। अब देखो आगे होता क्या है। ये देखो, अब ये तुम्हारा एक्वेटिक बॉडी है, ये तुम्हारी कोई एक्वेटिक बॉडी है, ठीक है? ये मैंने तुम्हारी कोई एक्वेटिक बॉडी बना दी। होता क्या है बच्चों, इस एक्वेटिक बॉडी के अंदर तुम्हारी जो एल्गी प्रेजेंट है वो दो कंडीशन में प्रेजेंट हो सकती है। कितनी कंडीशन में प्रेजेंट हो सकती है? दो कंडीशन में प्रेजेंट हो सकती है। एक तो होता है कि बच्चों देखो ये जो एल्गी है ये इस तरीके से जो पानी का सरफेस है, ये पानी के अंदर इस तरीके से, ये देखो ये जो पानी का सरफेस है ना, ये जो पानी का सरफेस है इसमें फ्री फ्लोट कर रही है, किसी से अटैच नहीं है। कैसी है? फ्री फ्लोटिंग है। इनका जहां मन चाहेगा ये वहां जाएंगी। इनको बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग एल्गी। क्या बोलते हैं? फ्री फ्लोटिंग एल्गी, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्लेमाइडोमनास। क्या याद रखना है? क्लेमाइडोमनास। और एक और एग्जाम्पल इसका आप यहाँ पे याद रखोगे वॉल्वॉक्स। क्या याद रखोगे? वॉल्वॉक्स। लेकिन बच्चों कुछ कुछ एल्गी ऐसी होती है जो एक्वेटिक बॉडी है उनके अंदर कुछ कुछ एल्गी ऐसी होती है जो किसी ना किसी सबस्ट्रेटम मतलब कोई भी चीज, सपोज यहाँ पे एक पत्थर पड़ा था, यहाँ पानी में एक पत्थर पड़ा था, तो एक एल्गी ने क्या किया बच्चों, ध्यान से देखेंगे, एक एल्गी ने क्या किया, इस सबस्ट्रेटम को पकड़ के वो यहाँ पे ऐसे ग्रो कर गई। तो ऐसी एल्गी जो किसी चीज से अटैच होती है, ऐसी एल्गी जो किसी चीज से अटैच होती है उनको बोलते हैं अटैच्ड एल्गी। क्या बोलते हैं? अटैच्ड एल्गी। और ये जिस चीज से अटैच होती है बच्चों इसको सबस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको सबस्ट्रेट कहते हैं। तो एल्गी जो होती है ना बच्चों, एल्गी को सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए एक ऐसा डिस्क जैसा स्ट्रक्चर चाहिए होता है। देखो ब्लैक कलर से मैं आपको दिखाती हूँ, एल्गी को सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए एक ऐसा डिस्क जैसा स्ट्रक्चर चाहिए होता है। थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं, ये देखो एल्गी को सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए ये डिस्क जैसा स्ट्रक्चर चाहिए होता है बच्चों। इस डिस्क जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग होल्ड फास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होल्ड फास्ट। क्या कहते हैं? होल्ड फास्ट। तो इससे भी क्वेश्चन आता है कि अगर एल्गी को सबस्ट्रेट से जुड़ना है तो वो किसकी हेल्प से जुड़ता है? आपको बहुत सारे नाम दिए होंगे लेकिन आपको क्या टिक करके आना है? होल्ड फास्ट। आपको क्या टिक करके आना है बच्चों? होल्ड फास्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल याद कर सकते हैं ईडोगोनियम। क्या याद कर सकते हैं बच्चों? ईडोगोनियम। आप यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल भी यहाँ पे याद कर सकते हैं, ईडोगोनियम एंड यूलोथ्रिक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Is it clear to everyone? चले आगे। एक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए, वॉटर ब्लूम्स।
क्या किसी बच्चे ने वॉटर ब्लूम्स का नाम सुना है? वॉटर ब्लूम्स, क्या किसी बच्चे ने वॉटर ब्लूम्स का नाम सुना है? इनको फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं। अब तो बच्चों को समझ में आ गया होगा, इनको फाइटोप्लैंक्टन के नाम से भी जानते हैं, वॉटर ब्लूम्स या फिर फाइटोप्लैंक्टन। बायोलॉजी में हम बहुत वर्ड यूज करते हैं फाइटोप्लैंक्टन, कि पानी के अंदर फाइटोप्लैंक्टन पड़े हैं। तो बच्चों ये जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ये होते क्या है, या जो वॉटर ब्लूम्स है ये होते क्या है? बच्चों कुछ भी नहीं होता, ये देखो ये एक तरीके की एल्गी है, यहाँ पे इस तरीके का कोई और एल्गी प्रेजेंट है, या एल्गी के अलावा फंजाई ले लो, कोई फंजाई है जो यहाँ पे पानी में प्रेजेंट है, या इसी तरीके के और भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं। कैसे होते हैं? फ्री फ्लोटिंग होते हैं। ये क्या होता है? ये पानी के, ये वॉटर के सरफेस पे आके, ये वॉटर के सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं वॉटर ब्लूम्स या फिर फाइटोप्लैंक्टन। जो फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्लांट, बेसिकली प्लांट या प्लांट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या करते हैं? वॉटर के सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इन्हीं को वॉटर ब्लूम्स बोलते हैं। तो देखो ये कोई वॉटर बॉडी है बच्चों, ये है आपकी कोई वॉटर बॉडी। इस वॉटर बॉडी के ऊपर, इस वॉटर बॉडी के ऊपर क्या हुआ बच्चों? इस वॉटर बॉडी के ऊपर इस तरीके से, इस तरीके के इसके सरफेस को जो है किसने कवर कर लिया? फाइटोप्लैंक्टन ने या फिर बच्चों वॉटर ब्लूम ने कवर कर लिया। तो होता क्या है, एटमोस्फेरिक जो ऑक्सीजन है ना ये अंदर नहीं जा पाती, तो अंदर की जो एक्वेटिक लाइफ हो जाती है उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। इज इट क्लियर टू एवरी वन? इज इट क्लियर टू एवरी वन? चले आगे। ठीक है, इसका मतलब जब जो फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स है मोस्टली एल्गी, जब वो अपना एक्यूमुलेशन दिखाएं, जब वो कॉलोनी बना के एक साथ वाटर के सरफेस पे रहने लगे, तो इसी को वाटर ब्लूम या फिर फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। एक और टर्म है जो यहाँ पे आपको एल्गी के रिस्पेक्ट में पता होनी चाहिए, वो है फाइटोबेंथोस। किस बच्चे को पता है क्या होता है? वट आर फाइटोबेंथोस? फाइटोबेंथोस क्या होते हैं? वट आर फाइटोबेंथोस? देखो बच्चों ध्यान से देखेंगे, देखो तुमने देखा नदी के किनारे पत्थर पड़े रहते हैं, समुद्र के किनारे पत्थर पड़े रहते हैं, या पानी, कोई भी वॉटर बॉडी है उसके बिल्कुल अंदर, डीप में अंदर, बिल्कुल पानी का जो सरफेस होता है नीचे नीचे, अंडरग्राउंड सरफेस जो होता है, वहां पे पत्थर वगैरह पड़े रहते हैं, उनसे अटैच होके जो एल्गी ग्रो करती हैं उन्हीं को फाइटोबेंथोस कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटोबेंथोस कहते हैं। मतलब ऐसी एल्गी जो कहाँ पे ग्रो करती हैं बताओ? एल्गी फाउंड अटैच टू रॉक्स। ऐसी एल्गी जो रॉक्स से अटैच रहती है, और ये रॉक्स कहाँ प्रेजेंट होती है? या तो एज में प्रेजेंट होती है उस वाटर बॉडी के, या फिर अंडरग्राउंड में प्रेजेंट होती है। जैसे समुद्र के किनारे जो पत्थर होते हैं वो हरे हरे से देखने को मिलते हैं ना, तो वहां पे उस एल्गी को फाइटोबेंथोस कहेंगे। क्या कहेंगे? फाइटोबेंथोस। या फिर समुद्र या किसी पानी के नीचे जो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, रॉक्स पड़ी है, वहां पे जो एल्गी देखने को मिल रही है उनको हम लोग फाइटोबेंथोस कहेंगे। क्या कहेंगे? फाइटोबेंथोस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएंगे, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो आगे देखते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी, नंबर सेकंड। अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों टेरेस्ट्रियल एल्गी। एक्वेटिक समझ में आ गया, एक्वेटिक रिस्पेक्ट में सारे टर्म समझ में आ गए, अब हमें पढ़नी है टेरेस्ट्रियल। नंबर सेकंड हमें पढ़नी है टेरेस्ट्रियल एल्गी। बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगी, आप लोग टेंशन मत लो, बस आपको सेशन ज्वाइन करे रखना है। जिस बच्चे को आता है उसे भी जाने की जरूरत नहीं है, आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, टेरेस्ट्रियल एल्गी जो होती है ऐसी एल्गी जो लैंड पे मिल रही है, लैंड पे हो चाहे मिट्टी में, चाहे सॉइल में मिल सकती है आपको, ग्राउंड पे मिल सकती है आपको, रॉक्स पे मिल सकती है, कहीं पे भी मिल सकती है, इन सब एल्गी को टेरेस्ट्रियल एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एल्गी। तो बच्चों टेरेस्ट्रियल एल्गी में ना आपको दो ही टर्म्स जानने की जरूरत है, एक है सेफोफाइट्स, एक टर्म आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है कि सेफोफाइट्स क्या होते हैं, और दूसरा आपको पता होना चाहिए क्रिप्टोफाइट्स क्या होते हैं। यहाँ पे दो टर्म आपको पता होने चाहिए, क्रिप्टोफाइट्स और सेफोफाइट्स। बच्चों सेफोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसी एल्गी जो सॉइल के सरफेस पे मिले, अगर ये मिट्टी है तो मिट्टी के सरफेस पे जो एल्गी मिल रही है, ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल, ऐसी एल्गी जो आपके सॉइल के सरफेस पे मिलती है बच्चों, उनको बोलते हैं सेपोफाइट्स। क्या बोलते हैं? सेपोफाइट्स। और ऐसी एल्गी जो सॉइल सरफेस, अगर ये आपका सॉइल सरफेस है, इस सॉइल सरफेस के नीचे मिल रही है, इसको बोलते हैं क्रिप्टोफाइट्स। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोफाइट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड,
वेरी गुड अनामिका, वेरी गुड. इज इट क्लियर टू एवरीवन कि व्हाट आर सेपोफाइट्स एंड व्हाट आर क्रिप्टोफाइट्स? ऐसी एल्गी जो आपके सॉइल के सरफेस पे मिलती है उनको सेपोफाइट्स बोलते हैं, और ऐसी एल्गी जो आपके सॉइल सरफेस के अंदर मिलती है, अंडर द सॉइल सरफेस, अंडर द सॉइल सरफेस, उनको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्रिप्टोफाइट्स. इनका एग्जाम्पल, इनका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए. सेपोफाइट्स का एग्जाम्पल आप लोग पढ़ सकते हो युगलीना. क्या पढ़ सकते हो? युगलीना. वो चेरिया आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, वो चेरिया. युगलीना याद कर लो, वो चेरिया याद कर लो, और क्या याद करोगे, और क्या याद करोगे तुम? वो ट्राइडियम भी याद कर सकते हो, वो ट्राइडियम. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अनामिका, वेरी गुड, एक्सीलेंट. चले आगे, चले आगे. अब देखते हैं क्रिप्टोफाइट्स के एग्जाम्पल कौन बताएगा, क्रिप्टोफाइट्स का एग्जाम्पल कौन बताएगा, क्रिप्टोफाइट्स का एग्जाम्पल कौन बच्चा बताएगा, क्रिप्टोफाइट्स के एग्जाम्पल कौन बताएगा? जल्दी से, बहुत ही सिंपल है, एक आंसर आ भी चुका है. वेरी गुड, नोस्टॉक. बहुत ही लाजवाब एग्जाम्पल दिया है नोस्टॉक. क्रिप्टोफाइट्स का जो बेस्ट एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए बच्चों वो है नोस्टॉक. और नोस्टॉक के साथ साथ अगर एना बिना भी याद कर लोगे, नोस्टॉक के साथ साथ अगर एना बिना भी याद कर लोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. नोस्टॉक और एना बिना दोनों एक साथ एक ही ऑप्शन में दिए हुए थे जो आपको टिक करने थे. नोस्टॉक की पेयरिंग और भी बहुत के साथ थी, लेकिन जिसको एना बिना भी पता होगा उसी का आंसर वहां पे सही हुआ होगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलू आगे. अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिट्स, नंबर थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट. इस पे से तो बहुत क्वेश्चन बन चुके हैं. अनयूजुअल हैबिटेट्स, अनयूजुअल हैबिटेट्स में कौन कौन सी एल्गी देखने को मिलती है? नंबर फर्स्ट, हेलोफिटिक एल्गी क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? हेलोफिटिक एल्गी, हेलोफिटिक एल्गी. बहुत सारे नाम हमें पढ़ने हैं अनयूजुअल हैबिट में, जिसमें से कि नंबर फर्स्ट है हेलोफिटिक एल्गी. देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, तुम्हें पता है मेराइन वाटर में तो बहुत सारी एल्गी मिलती है, समुद्र का जो पानी होता है ना उसमें तो बहुत ज्यादा एल्गी मिलती है. लेकिन जब ये जो सॉल्ट है, लेकिन जब जो सॉल्ट है इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हाई कंसंट्रेशन हो जाए सॉल्ट के, उस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में भी जो एल्गी ग्रो करती हैं उनको हेलोफिटिक एल्गी कहते हैं. क्या बोलते हैं? हेलोफिटिक एल्गी कहते हैं. इनको हेलोफाइट्स के नाम से भी जाना जाता है. किसके नाम से जाना जाता है? इनको हेलोफाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आप याद करोगे क्लेमाइडोमोनास स्पीशीज. क्लेमाइडोमोनास की एक स्पीशीज है क्लेमाइडोमोनास स्पीशीज, जो क्या करती है? हेलोफाइट का बेस्ट एग्जाम्पल देती है. ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसका याद करोगे डुनेलीलिया. एक और एग्जाम्पल आप इसका याद करोगे डुनेलीला, डुनेलीला. ठीक है, वेरी गुड अनामिका. लगता है तुम बॉटनी ऑनर्स से हो, लगता है तुम बॉटनी ऑनर्स से हो. ठीक है, नंबर सेकंड. अब देखते हैं कौन इसका जवाब देगा. एपिफिटिक एल्गी क्या होता है? ये तो सब बच्चों को पता होगा, तुमने ऑर्किड सुने होंगे जो एपिफाइट्स का एग्जाम्पल होता है. वहीं से मुझे बता दो कि एपिफिटिक का मतलब क्या होता होगा, एपिफिटिक एल्गी का मतलब क्या होता होगा? व्हाट आर एपिफिटिक एल्गी, बताओ. देखो, एपिफिटिक का मतलब होता है कोई चीज अगर किसी चीज के ऊपर सपोर्ट लेके ग्रो कर रही है तो उसको एपिफिटिक कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? उसको एपिफिटिक कहते हैं. जैसे ऑर्किड्स जो होते हैं ना, वो ऑर्किड्स क्या करते हैं? ट्रीज के ऊपर जाके ग्रो कर जाते हैं ताकि उन्हें सनलाइट मिल सके. इसका मतलब ऑर्किड जो है वो एपिफिटिक प्लांट का एग्जाम्पल है. तो ऐसे ही जो छोटी छोटी एल्गी होती है ना, जो बच्चों स्मॉल स्मॉल एल्गी होती है, जो छोटी छोटी एल्गी होती है, ये क्या करती हैं? ये लार्जर एल्गी के ऊपर जाके ग्रो कर जाती हैं. ये आपके ब्रायोफाइट्स के ऊपर जाके ग्रो कर जाती हैं. ठीक है, ये आपके एंजियोस्पर्म्स के ऊपर जाके ग्रो कर जाती हैं. इन्हीं को बोलते हैं एपोफिटिक एल्गी. क्या कहते हैं? इन्हीं को बोलते हैं एपोफिटिक एल्गी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है ईडोगोनियम और माइक्रोस्पोरा. इसका आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो, ईडोगोनियम और माइक्रोस्पोरा. चले आगे, एपिफिटिक एल्गी समझ में आ गया सबको? एपिफिटिक एल्गी क्या होता है ये समझ में आ गया सबको? नंबर थर्ड है बच्चों आप
आपका एपिजोइक एल्गी। नंबर थर्ड क्या है आपका? नंबर थर्ड है आपका एपिजोइक एल्गी। एपिजोइक एल्गी क्या होता है कौन बताएगा? ऐसी एल्गी जो एनिमल्स के ऊपर ग्रो करती है, ग्रोस ऑन एनिमल्स, उनको बोलते हैं एपिजोइक एल्गी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। ऐसी एल्गी जो एनिमल्स के ऊपर ग्रो करती है, एनिमल्स की बॉडी पे ग्रो करती है, उनको एपिजोइक एल्गी कहते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, क्लैडोफोरा जो है ये स्नेल्स के ऊपर ग्रो करती है। जो क्लैडोफोरा एल्गी है ये आपकी स्नेल्स के ऊपर ग्रो करती है। आ गई बात समझ में? चलूं आगे। अब देखो नेक्स्ट नंबर फोर्थ टाइप आपको पढ़ना है, एंडोजोइक एल्गी। एक है एपिजोइक, दूसरा है एंडोजोइक। देखो एपिजोइक क्या होती है बच्चों? ये एनिमल की सरफेस पे या एनिमल की बॉडी के ऊपर ग्रो करती है, लेकिन इनसाइड द एनिमल। अगर आप कोई ऐसी एल्गी का नाम बता रहे हो जो एनिमल की बॉडी के अंदर ग्रो कर रही है, उसको बोलते हैं एंडोजोइक एल्गी। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं एंडोजोइक एल्गी। बच्चा बच्चा इसका एग्जांपल जानता है। कौन मुझे बताएगा सबसे पहले? जल्दी से कौन बच्चा आंसर देगा? जल्दी बताओ। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, जू क्लोरेला जो है ये किसके अंदर ग्रो करती है बच्चों? ये हाइड्रा के अंदर ग्रो करती है। किसके अंदर ग्रो करती है? हाइड्रा के अंदर। और आपने नाम सुना होगा ओसिलेटोरिया का। आपने ओसिलेटोरिया का नाम सुना होगा, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है। बच्चों ये कहाँ ग्रो करती है जल्दी से मुझे बताएंगे? आपको पता होगा रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्ट ट्रैक्ट ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल। वर्टिब्रेट्स के रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये ग्रो करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, मैचिंग में आते हैं ये क्वेश्चन। चार पांच आपको फॉर्म का नाम दिया होगा और आपको एग्जाम्पल मैच करने होंगे। इज इट क्लियर टू एवरी वन? ये सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आप देखो नंबर फिफ्थ सिम्बायोटिक एल्गी। अरे बच्चे ने लाइकन्स का नाम सुना है या फिर नहीं सुना? देखो तुम ना बता नहीं रहे हो मेरे को, मजा नहीं आ रहा है मुझे। जल्दी से बताओ सिम्बायोटिक एल्गी। एक तो तुम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, एक वो मजा होता है ना कोविड के टाइम के बाद से वो मजा रह गया है ऑफलाइन बैच में, जब बच्चा सामने होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, वन टू वन इंटरेक्शन, उसमें कुछ अलग ही बात होती है। सिम्बायोटिक एल्गी क्या होती है बच्चों? सिम्बायोटिक एल्गी क्या होती है? ऐसी एल्गी जो किसी और के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप बना के रहे। ऐसी एल्गी जो किसी और एल्गी के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप बना के रहे, जिसमें इस एल्गी का भी फायदा हो और जिसके साथ इसने रिश्ता जोड़ा है उसका भी फायदा हो, उसी को बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। जिसका बेस्ट एग्जांपल है लाइकन्स। लाइकन्स में बच्चों क्या होता है, जो एल्गी होती है ये फंजाई के साथ जाके साथ में रहने लग जाती है। इसमें एल्गी का भी फायदा होता है, फंजाई का भी फायदा होता है। पॉजिटिव मतलब फायदा। लाइकन्स जो होते हैं ना बच्चों, ये एयर पोल्यूशन का इंडिकेशन देते हैं, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड का। जहां पे एयर पोल्यूशन होता है वहां पे लाइकन्स ग्रो नहीं करते, इसीलिए लाइकन्स आपको ऊपर जो हिली एरियाज होते हैं वहां देखने को मिलते हैं, सिटीज में देखने को नहीं मिलते। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है सिम्बायोटिक एल्गी से, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका ये सिम्बायोटिक एल्गी है इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि एल्गी जो बहुत सारी फैमिलीज में डिवाइड है, एल्गी के अंदर रोडोफाइसी है, साइनोफाइसी है, क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है, ये सब भी हम पढ़ेंगे। तो एल्गी के अंदर जो ये बहुत सारी क्लास प्रेजेंट है, रोडोफाइसी, ठीक है, और फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, इनमें से ज्यादातर मेंबर कौन सी फैमिली से बिलोंग, कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं? तो आपको सिंपल याद रखना है क्लोरोफाइसी एंड साइनोफाइसी जो क्लास है एल्गी की, ये ज्यादातर इसके जो मेंबर्स हैं वो ज्यादातर किसमें इन्वॉल्व होते हैं बच्चों? वो ज्यादातर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चले आगे। एक दो एग्जाम्पल आप और याद कर लो यहाँ पे। ये देखो बच्चों, नोस्टॉक
नोस्टोक जो आपकी एल्गी है, नोस्टोक सी NOSTOC, नोस्टोक जो आपकी एल्गी है वो एंथोसिरोस के साथ सिंबायोटिक रिलेशनशिप बनाती है, ये क्वेश्चन भी आता है। और ऐसे ही जो आपकी एनाबिना, जो आपकी एनाबिना नाम की एल्गी है वो साइकस की कोरेलॉइड रूट्स के साथ, कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस, साइकस जिम्नोस्पर्म्स का मेंबर है, ये इसके साथ सिंबायोटिक रिलेशनशिप बनाती है। ये दो एग्जांपल्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिस्पेक्ट में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से मुझे बताएंगे इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलू मैं आगे, चलू मैं आगे। अब देखो नेक्स्ट, अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट नंबर सिक्स, अब हम देखने जा रहे हैं नंबर सिक्स, नंबर सिक्स हम देखने जा रहे हैं। अब हमें पढ़ना है क्रायोफिटिक एल्गी। कौन मुझे बताएगा क्रायोफिटिक एल्गी क्या होती है? व्हाट आर क्रायोफिटिक एल्गी? क्रायोफिटिक एल्गी क्या होती है, ये बात मुझे कौन बच्चा बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऐसी एल्गी जो आपकी स्नो पे या आइस पे ग्रो करती हैं, ऐसी एल्गी जो आपकी स्नो पे या आइस पे ग्रो करती हैं, उन्हीं को क्रायोफिटिक एल्गी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? क्रायोफिटिक एल्गी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों जो आपके ये एल्पाइन माउंटेन्स होते हैं, आपके जो आर्कटिक माउंटेन्स होते हैं जहां पे आपको बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है, वहां पे ये एल्गी ग्रो करती है। इनकी वजह से रेपल ग्रीन, येलो, ब्लैक, ब्राउन, पता नहीं कितने कलर्स देखने को मिलते हैं स्नो के ऊपर। ये स्नो को बहुत ही कलरफुल बना देती है, क्योंकि हर एल्गी के पास अपना कोई ना कोई पिगमेंट है जो उसको कलर इम्पार्ट करता है, जिसकी वजह से स्नो कैसी दिखती है बच्चों? जिसकी वजह से स्नो जो है वो कलरफुल नजर आती है, और वो टूरिस्ट को बहुत अच्छी लगती है, टूरिस्ट को बहुत अच्छी लगती है। आ गई बात समझ में? जैसे यूरोप के अंदर बच्चों, यूरोप के अंदर अगर तुम कभी यूरोप गए हो या तुमने कभी देखा है, यूरोप के अंदर ऐसे बोलते हैं ग्रीन स्नो देखने को मिलती है। वो ग्रीन स्नो बच्चों क्लेमाइडोमोनास, जो आपका क्लेमाइडोमोनास की एक स्पीशीज है, वो उसकी वजह से देखने को मिलता है ग्रीन कलर। क्लेमाइडोमोनास क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी का मेंबर है, जो कि ग्रीन कलर का कलर जो है स्नो को इम्पार्ट करता है। क्या नाम है उसका? क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, इसकी वजह से यूरोप में आपको ग्रीन कलर की स्नो देखने को मिलती है। आगे बात समझ में? चले आगे, ऐसे बहुत सारे नाम है लेकिन आपको सिर्फ ये ग्रीन स्नो को याद रखना है। चले आगे, ये देखने जा रहे हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट लिथोफाइटिक एल्गी क्या होता है? नेक्स्ट जल्दी से मुझे बताइए लिथोफाइटिक एल्गी क्या होता है? कौन बच्चा मुझे बताएगा कि लिथोफाइटिक एल्गी क्या होती है? व्हाट आर लिथोफाइटिक? बच्चों इन पे से क्वेश्चन आते हैं, यूं ये मत सोचो कि मैम हमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पढ़ा रही है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत बेसिक बातें हैं जो एक बच्चे को पता होनी चाहिए प्लांट डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में। लिथोफाइटिक एल्गी क्या होती है? सिंपल सी बात है बच्चों, जो रॉक्स पे ग्रो करती हैं। कहाँ ग्रो करती हैं? रॉक्स। लिथो मतलब लैंड, ठीक है, तो जो रॉक्स पे ग्रो करती हैं, स्टोन पे ग्रो करती हैं, उन सबको लिथोफिटिक एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथोफिटिक एल्गी। ठीक है, जनरली ये जो रॉक्स होती है ना बच्चों, ये मॉइस्ट थोड़ी थोड़ी गीली होती है, इनमें मॉइस्चराइजर प्रेजेंट होता है, उसी का फायदा उठाते हुए एल्गी यहाँ पे ग्रो कर जाती है। तो जो आपका नोस्टोक है, कौन है बच्चों? नोस्टोक, वो आपका लिथोफिटिक एल्गी का एग्जाम्पल है। ऐसे ही बच्चों जो आपका रिवुलेरिया है, रिवुलेरिया वो भी आपका किसका एग्जाम्पल है? लिथोफिटिक एल्गी का एग्जाम्पल है। अब इसके अलावा आपको दो टाइप की एल्गी और पढ़नी है, नंबर एट, वो है पैरासिटिक एल्गी। कौन सी एल्गी पढ़नी है बच्चों? आपको पढ़नी है पैरासिटिक एल्गी। नाम से पता चल रहा है, ऐसी एल्गी जो पैरासाइट की तरह रहती है, जो दूसरों की बॉडी पे रहती है और क्या करती है, अपना न्यूट्रिशन लेती है, उसको बोलते हैं पैरासिटिक एल्गी। तो जो ऐसी एल्गी हैं जो किसकी तरीके से रहती है? पैरासाइट की तरीके से रहती है। जरूरी नहीं है सिर्फ प्लांट के ऊपर ही पैरासाइट की तरीके से रहे, ये प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर पैरासाइट की तरह क्या कर सकती है? रह सकती है। इन्हीं को पैरासिटिक एल्गी बोलते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, मैं बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट है क्लोरोफाइसी जो क्लास है एल्गी की, ग्रीन एल्गी जिसको कहा जाता है, इसका एक मेंबर है जिसका नाम है सिफेल्यूरोस, जिसका नाम है सिफेल्यूरोस।
ये जो सिफेल्यूरोस जीनस है इसकी एक स्पीशीज होती है बच्चों, जो कि क्या करती है, जो कि आपकी रेड रस्ट कोस करती है टी में और कॉफी में। ये टी और कॉफी में रेड रस्ट कोस करती है क्योंकि ये टी प्लांट और कॉफी प्लांट में पैरासाइट की तरह रहती है और उनमें रेड रस्ट की बीमारी कर देती है बच्चों। उनमें कौन सी बीमारी कर देती है बच्चों? उनमें रेड रस्ट की बीमारी कर देती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से मुझे बताएंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे। ये एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना है यहाँ पे। सिफेल्यूरस ये क्या करता है बच्चों? टी और कॉफी में रेड रस्ट की बीमारी करता है। इसको पैरासिटिक एल्गी में हम लोग याद रखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस टॉपिक में, अनयूजुअल हैबिट में लास्ट जो आपको पढ़ना है, सब बच्चे जानते हैं इसको, ये है थर्मोफाइट्स। क्या पढ़ना है बच्चों आपको? थर्मोफाइट्स बच्चों, रेड रस्ट ठीक है, रेड रस्ट। अब देखो थर्मोफाइट्स क्या होते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। थर्मोफाइट्स बताओ फटाफट, जो हॉट वाटर में रह सके बच्चों, जो हॉट कंडीशन में रह सके उन्हीं को क्या बोलेंगे? उन्हीं को हम बोलेंगे थर्मोफाइट्स। क्या बोलेंगे? थर्मोफाइट्स, ठीक है। तो ज्यादातर इनको थर्मल एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। इनको किसके नाम से जाना जाता है बच्चों? इनको हम लोग थर्मल एल्गी के नाम से भी जानते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है ना, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होती है। आपकी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है बच्चों का बेस्ट एग्जाम्पल होती है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये 50 से 70 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर सकती है? विदस्टैंड कर सकती है। 50 डिग्री से 70 डिग्री के जितना जो गर्म पानी होता है ये उसमें रह सकती है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइए, क्या ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से जवाब देंगे। Is it clear to everyone? Very good, excellent everyone. कैसा लगा? क्या एल्गी का कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ? जो बच्चे बॉटनी से हैं उनका रिवीजन हो गया होगा, जो बच्चे बॉटनी से नहीं हैं उन्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो क्या ये इस टाइप की सीरीज हम लोग कंटिन्यू रखें, मजा आ रहा है, या जैसा मैंने कल सेशन लिया था जिसमें सिर्फ मैंने क्वेश्चंस कराए थे आपको सिर्फ वैसा सेशन करना है, या पहले मैं एलजी को 3-4 क्लास में पढ़ा दूं अच्छे से फिर उसके क्वेश्चन करवाऊं, कैसा करना है? मुझे सब बच्चों के रिव्यूज चाहिए यहाँ पे, जल्दी से बताइए, क्या चाहते हो आप लोग? मजा आ रहा है ऐसे करने में? थ्योरी पढ़े उसके बाद एक क्लास में क्वेश्चन करते हैं एलजी के सारे प्रीवियस ईयर? जल्दी से बताइए। सब बच्चों का आंसर चाहिए मुझे। रिवीजन प्लस क्वेश्चन, जैसे कि हमने आज किया है, ओके। क्वेश्चंस प्लस कंसेप्ट, ओके। क्वेश्चन ही करना है सिर्फ, थ्योरी देन क्वेश्चन। मैम लेक्चर्स, यस। अब बताओ मैं किस किस की ख्वाहिश पूरी करूं? तो बच्चों हम थ्योरी और लेक्चर दोनों करेंगे, ठीक है, वरना तो कुछ बच्चों के साथ ज्यादती हो जाएगी, ठीक है। थ्योरी और लेक्चर दोनों करेंगे बेटा। जनरली मेरी क्लास ना 6 बजे ही होती है, जनरली मेरी क्लास आपका जो है संडे को, सैटरडे को, मंडे को, फ्राइडे को, ठीक है, इनमें 6 बजे ही होती है। ट्यूसडे को मैं क्लास नहीं लेती हूँ, कल मेरी क्लास नहीं होगी, ट्यूसडे को मैं क्लास नहीं लेती हूँ, और बस थर्सडे को आपका थोड़ा टाइम चेंज होगा, ठीक है। ट्यूसडे मैं क्लास नहीं लूंगी, थर्सडे को टाइम थोड़ा चेंज होगा, उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको टाइम मिल जाए। बाकी 5 दिन मेरी क्लास जो है 6 बजे ही होगी, सिर्फ ट्यूसडे थर्सडे जो है आपका क्या होगा, टाइम थोड़ा वेरिएशन रहेगा। ज्यादा वोट थ्योरी को है तो थ्योरी करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। चलो इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अच्छे से एग्जाम्स दो, जो भी डाउट है आप कमेंट सेशन में कमेंट कर दो इस क्लास के बाद, मैं उन सबका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगी। सो टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।